हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त भी होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हेयर प्ले भी है और मेकिंग ब्रीड बन और काफ़ी सारी हेयर स्टाइल भी है। तो बने रही फुल वीडियो के साथ, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बालों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। कोमल गौतम लोंगेरकर के नाम से मेरी आईडी है। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं बालों से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपके सारी प्रॉब्लम्स का जवाब देने की कोशिश करूँगी। हाँ, एक दो दिन लेट हो सकता है, लेकिन मैं आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगी अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। तो बने रहिए फुल वीडियो के साथ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, मैं मम्मी के बालों को अभी बन मनाऊंगी। बन मनाने के बाद मैं इन्हें स्मेल करूंगी, फिर इनके साथ खेलूंगी, क्योंकि मुझे मम्मी के सिल्की स्मूथ बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बन मना रही हूँ मम्मी के बालों का। तो आपको इस वीडियो में कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी हेयर स्टाइल लगी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। और मैं जल्दी न्यू हेयर केयर वीडियो के साथ दूसरी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मेरी मम्मी के बाल मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के बाल बिल्कुल काले हैं। ऑल ब्लैक इज़ द मेरी मॉम के हेयर। मेरे बाल तो जब भी थोड़े ब्राउन टाइप है, क्योंकि मेरे बालों का ये नेचुरल कलर है ब्राउन, और मेरी मम्मी के बाल ऑल ब्लैक है। तो देखिए, मैंने बन थोड़ा टाइट बनाया था, इसलिए बन से ज़्यादा बड़ा क्लेचर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको हेयर स्टाइल कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आपके सपोर्ट से मैं और भी आगे कुछ कर सकती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मैं बालों को स्मेल कर रही हूँ। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। आपको बन वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, स्मेल वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, या फिर हेयर कॉम वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना आप। और मैं मम्मी के बालों में अभी हेयर ब्रश करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी के बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सिल्की साइनरी स्मूथ मैंने किए हुए हेयर रेमेडीज लगा लगा करके और ऑयल लगा लगा करके मैंने अपने मम्मी के बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ किए हुए हैं। क्योंकि मैं मम्मी के बालों पर और अपने बालों पर ट्राई करती रहती हूँ, और मुझे अगर उस रेमेडीज से फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, तभी मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे तो ये ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है मम्मी, और मैं ब्रीड बन भी बनाऊंगी। तो आपको ब्रीड ज़्यादा अच्छी लगी है, ब्रीड बन ज़्यादा अच्छा लगा है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ज़रूर बताना। तो मैंने काफ़ी लूज ब्रीड बनाई थी, और इसमें मैं ऐड करूंगी रेड रबड़ बैंड। तो देखिए कितनी अच्छी मैंने चोटी बनाई है अपनी मम्मी की। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इसमें क्लेचर लगा दूँगी और इसका बन बना दिया है मैंने। तो आपको ब्रीड ज़्यादा अच्छी लगी है, बन ज़्यादा अच्छा लगा है, और इसको मैं स्मेल करूँगी, क्योंकि मम्मी के बालों से खेलना और स्मेल करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं करती हूँ, और ये हो जाती है हेयर प्ले वीडियोस।
तो हेयर प्ले वीडियोस के काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स भी आती है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपने मम्मी के बालों की हार्ड पुलिंग भी कर रही हूँ। और मैं इतनी हार्ड पुलिंग करने के बाद भी मम्मी कुछ नहीं बोलती मुझे, क्योंकि मम्मी को बालों के साथ छेड़छाड़ करानी अच्छी लगती है। तो वीडियो यहीं तक थी। तो आपको इस वीडियो में कौन सा ज़्यादा पार्ट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। ओके गाइस, बाय, मिलती है जल्दी न्यू हेयर केयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर।